नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। आगरा में भारत सरकार के नीति आयोग में रजिस्ट्रार राष्ट्रीय लोक शिकायत एवं जांच आयोग द्वारा आज आगरा कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सभी को सम्मानित करते हुए सदस्यता प्रमाण पत्र दिए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमैनुअल अमित गुप्ता ने बताया कि हमारी संस्था द्वारा सरकार के सहयोग से भ्रष्टाचार और उत्पीड़न जैसे मामलों में पीड़ितों की मदद की जाती है, और अगर पीड़ित के पास वकील करने की व्यवस्था नहीं है तो वो भी हम सरकार या संस्था के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। संस्था बिल्कुल निष्पक्ष रूप से पूरे देश में काम कर रही है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमैनुअल अमित गुप्ता ने आज आगरा के निजी होटल में आगरा मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा की। मीडिया प्रभारी के तौर पर नियुक्त हूँ, जिसका मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय नेशनल चेयरमैन अमित जी का, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारी ये संस्था है, आगरा की कितनी कार्यकारिणी बनी है, कौन कौन लोग पदाधिकारी बने? आगरा में हमारे आगरा से शैलेंद्र अग्रवाल जी हैं, और आगरा सहित उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया इस संस्था को बखूबी पूरी तरीके से चलाया जा रहा है। जहां भी पीड़ित या किसी भी समस्या से ग्रसित व्यक्ति जो भी हमारी संस्था में आएगा, उसको पूरी मदद करने का पूरा कार्य राष्ट्रीय लोक शिकायत एवं जांच आयोग करेगा। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।